हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अनाया को उठाती हूँ और स्कूल भेजती हूँ। पहले तो अनाया को मैंने स्कूल भेज दिया, उसके बाद काम वगैरह करके मैं नहा वहा के यहाँ पे फ्रूट्स खा रही हूँ। तो फ्रूट्स मैं इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा भूख मर जाती है, जैसे सुबह की भूख होती है ना थोड़ी छोटी मोटी, तो वो नहीं लगती और चाय पीने का मन नहीं करता। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में और खाना वगैरह सब कुछ बन गया था मेरा, दाल चावल रोटी सब्जी सब बन गया था। फिर अचानक से गेस्ट आ गए थे काफ़ी, तो फिर मैं बना रही हूँ पूड़ी। सब्जी बनी हुई थी, बस पूड़ी बनाई थी और इसके बाद दाल चावल भी चल जाएगा। फिर खाना वगैरह खिला के मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर कपड़े वगैरह फैले थे क्योंकि अलमीरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको सही कर देते हैं क्योंकि कपड़े वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर आ गई थी अनाया और ले आई थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वो खुद भी खा रही थी और मुझे भी खिला रही थी। तो बस चलिए इसको खिलाते हैं। और ले आई थी आइस भी, और क्योंकि पीना था शरबत, तो चलिए बनाते हैं शरबत। तो हमारा शरबत रेडी हो गया है और मैंने बना लिया है दो भगोने, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ ताकि लोग अच्छे से पिएँ। तो बस चलो सबको देते हैं और खुद भी पीते हैं। तो पहले मैं सबको बांट देती हूँ। कैसा लग रहा है? ननु को नहीं दिखा सकते, ननु पंगू है, पकड़ो, नहीं दिखा रहा है। तो खाना पीना और सब कुछ हो गया है और यहाँ पे देखिए ये खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हम सब ने, और यहाँ पे अनाया का हो रहा है पढ़ाई 2:30 बजे। तो बस अभी कोचिंग जाना है तो इसलिए होमवर्क कर रही है। तो बस ऐसे ही दिन जाता है हम लोग का। तो अनाया आ गई कोचिंग से और लाई है टिकिया, दिखाते हैं, मस्त है ना? बहुत दिन बाद हो गया, 2-3 महीने बाद आया है। अच्छा है, मस्त है ना? टेस्टी अच्छा बनाता है। बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम हो गया जब अनाया आज लाई है। वैसे मैंने मंगाया नहीं है, कौन दिया? पापा। तो आज पापा का खा रहे थे वो भी, तो अनाया नीचे थी तो अनाया को भी उन्होंने दिला दिया है, है ना? पढ़ ली कोचिंग? क्या क्या पढ़ी? मजा नहीं आता कोचिंग में पढ़ने में। तो कहाँ मजा आता स्कूल में? स्कूल में अच्छा लगता है, कोचिंग क्यों नहीं अच्छा लगता? उसमें 4 घंटा लर्न करवाती है हमारी स्कूल वाले मैम। तो आज हम लोग को नीचे ले कर दिए और ये डिक्टेशन करवाती और ना डिक्टेशन बोली थी क्या? नहीं तो मात्रा, अच्छा मात्रा बता रही थी और कहानी सुनाती है, इसीलिए अच्छा लगता है। तो एक काम ना करें, उस स्कूल वाली मैम से ही तुम्हारा कोचिंग लगवा दें। क्यों? करवाएंगे। तो बंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है उधर, बहुत ज्यादा पागल है। तो आज डिनर में बना हुआ है छोला और भटूरा, तो अनाया को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं क्योंकि अनाया को जल्दी सुलाना होता है, तो मैं जल्दी खिला देती हूँ, नहीं तो वो बिना खाए ही सो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। तो हम लोग का खाना हो गया है, अभी ये हमारा पुलुलुआ पुलुलुआ खा रहा है, इसको हमने पिंजरे में बंद कर रखा था।